नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हिमानी। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। इस बीच एक रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जोरों पर कांग्रेस अधिवेशन की तैयारी। 24 और 26 फरवरी को कांग्रेस का 85वां अधिवेशन। छत्तीसगढ़ में पहली बार होगा अधिवेशन। अधिवेशन में छत्तीसगढ़ मॉडल पर भी होगी चर्चा। मेफेयर होटल में ठहरेंगे सोनिया और राहुल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। जोरों शोरों पर चल रही है अधिवेशन की तैयारी। छत्तीसगढ़ में पहली बार होगा अधिवेशन। अधिवेशन में छत्तीसगढ़ मॉडल पर भी की जाएगी चर्चा। होटल में ठहरेंगे राहुल और सोनिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। 26 फरवरी को होगा कांग्रेस का 85वां अधिवेशन। छत्तीसगढ़ में चर्चा की जाएगी। अधिवेशन में छत्तीसगढ़ मॉडल पर भी चर्चा की जाएगी। होटल में ठहरेंगे राहुल और सोनिया। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जगदलपुर से है, जहां उद्योग और जिला प्रभारी मंत्री कवासी लखमा को विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। आपको बता दें कि उद्योग और बस्तर जिला प्रभारी मंत्री कवासी लखमा की अध्यक्षता में डीएमएफटी, वन विभाग, देवगुड़ी, आश्रम निर्माण, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के कार्यों सहित जिले के अन्य विकास कार्यों की समीक्षा बैठक होगी। जगदलपुर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां मंत्री कवासी लखमा बैठक करेंगे, विकास कार्यों की भी समीक्षा लेंगे मंत्री कवासी लखमा। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जगदलपुर से मंत्री कवासी लखमा बैठक का आयोजन करेंगे और साथ ही कई विकास कार्यों की समीक्षा भी लेंगे। आपको बता दें कि उद्योग और बस्तर जिला प्रभारी कवासी लखमा की अध्यक्षता में यह बैठक का आयोजन होने जा रहा है। डीएमएफटी, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग इसमें शामिल होंगे और अन्य विकास कार्यों की भी समीक्षा बैठक होगी। वहीं खुज्जी विधानसभा में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा आधा दर्जन से ज्यादा गांव से होती हुई देर शाम कांपा पहुंची। इससे पहले यात्रा के दौरान कांग्रेसियों ने ग्राम अर्जतकुन, कमरी और रतनभाट, महरूम, पतोरा, कलडबरी, छिंदी भैरी में जनसंपर्क किया। विधायक श्रीमती छन्नी साहू के साथ यात्रा में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं के साथ ही ग्रामीण भी शामिल हुए। यात्रा के दौरान क्षेत्र में विकास कार्यों का भूमि पूजन, लोकार्पण भी विधायक साहू के आतिथ्य में संपन्न हो रहा है। ग्रामीण यात्रा से जुड़ रहे हैं और इस दौरान कांग्रेस की राज्य सरकार के कार्यकाल में हुए काम और साथ ही विकास कार्यों पर भी चर्चा हो रही है। छुरिया से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा लगातार जारी है और यात्रा को लगातार अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है। खुज्जी विधानसभा में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा लगातार जारी है। आपको बता दें कि गांव महरूम में, साथ ही पतोरा में ये यात्रा होती हुई गुजरी और साथ ही जनसंपर्क भी किया गया। विधायक छन्नी साहू के साथ यात्रा में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए, साथ ही पदाधिकारी भी इस यात्रा में शामिल होते हुए नजर आए। इस दौरान कांग्रेस की राज्य सरकार के कार्यकाल में हुए काम और विकास कार्यों पर भी चर्चा हो रही है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं छुरिया से। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बुरहानपुर से है, जहां महाराष्ट्र सीमा पर स्थित होने के कारण यहां अधिकांश त्यौहार भजन भक्ति भी महाराष्ट्र की तर्ज पर स्थित है। बॉर्डर पर स्थित मंजूबा के दिवालियों पर आस्था का सैलाब देखने को मिला। यहां दोनों ही प्रदेशों के भक्त श्रद्धा से यहां पहुंचते हैं। करीब 10 दिनों में 2 लाख लोग इस दौरान पहुंचे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र बॉर्डर पर स्थित यह
मंजूबा का देवालय भक्तों का आस्था का केंद्र रहा है। 400 वर्ष पुराना देवालय है जहां सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। बुरहानपुर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां देवालयों पर श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला। आपको बता दें कि भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे, श्रद्धालुओं ने दर्शन करे और साथ ही करीब 10 दिनों में 2,00,000 लोग यहां पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि ये देवालय 400 वर्ष पुराना है, यहां पर सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बुरहानपुर से, देवालयों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। 10 दिनों में करीब 2,00,000 लोगों ने दर्शन किए। जब यार लोग मान्यता मानते हैं जिनकी चीज की चपड़ी हो जाती है वो ही आके आते हैं और ऐसे भाविक आते रहते हैं एक महीने में, पूरे टोटल महीने में आते रहते हैं। कितने लोग आ जाते होंगे लगभग यहाँ पर? लगभग 1 से 1.5 लाख लोग आते होंगे यहाँ पे। अच्छा, आपके लालदान में क्या हो रहा है, ऐसी जोत आती है और जिसके तकदीर में रहते हैं उसको दिखती है और आपसे लग जाते हैं, फिर बड़ा ये हो जाता है, वहाँ पे लग जाता है सब जो जो रहेगा वहाँ पे पूजा वगैरह जो सब जल के राख हो जाता है। हम यही जलगांव जिले से बढ़वा जाते हैं। पिछले साल क्या है कि यहाँ की जो मतलब भगवान की एक चुनती थी यहाँ पे जो यात्रा है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो पिछले साल आए थे तो कुछ बच्चों लोगों आए थे तो इस साल उनको दर्शन किया, मनोकामना पूरी हुई तो वापस दर्शन के लिए आए थे। खबर बुरहानपुर से है जहां पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का आज तीसरा दिन है। कथा के तीसरे दिन 50,000 लोग ने कथा सुनी। आपको बता दें कि कथा स्थल पर जाने के पहले पंडित मिश्रा ने विद्यार्थियों के बीच पहुंचकर क्रिकेट खेला, उसके बाद कथा स्थल पहुंचकर कथा प्रारंभ की। आपको बता दें कि बुरहानपुर के इतिहास में यह सबसे बड़ी कथा है जिसमें 11,00,000 से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना है। बुरहानपुर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पंडित मिश्रा की कथा का आज तीसरा दिन है। आपको बता दें कि 50,000 लोगों ने यहां पहुंचकर कथा सुनी और कथा स्थल पर पहुंचने से पहले पंडित मिश्रा ने क्रिकेट खेला। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बुरहानपुर से। इस कथा में 11,00,000 से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का आज तीसरा दिन, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कथा के तीसरे दिन 50,000 लोगों ने कथा सुनी। कथा स्थल पर जाने से पहले पंडित मिश्रा ने विद्यार्थियों के बीच पहुंचकर क्रिकेट भी खेला। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बुरहानपुर से। कथा का आज तीसरा दिन है। कथा के तीसरे दिन 50,000 लोगों ने कथा सुनी। आपको बता दें कि इस कथा में 11,00,000 लोगों के पहुंचने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। कथा स्थल पर पहुंचने से पहले पंडित मिश्रा विद्यार्थियों के बीच पहुंचे और साथ ही विद्यार्थियों के साथ क्रिकेट भी खेला। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बुरहानपुर से। कथा का आज तीसरा दिन है। आपको बता दें कि पंडित प्रदीप की कथा का आयोजन यहां पर किया जा रहा है जिसमें 50,000 लोग पहुंचे और उन्होंने कथा का श्रवण किया और साथ ही साथ कथा स्थल पर पहुंचने से पहले पंडित मिश्रा ने क्रिकेट खेला, वो विद्यार्थियों के बीच पहुंचे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बुरहानपुर से। बुरहानपुर के इतिहास में यह सबसे बड़ी कथा मानी जा रही है और यहां पर 11,00,000 से अधिक लोगों के पहुंचने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। इस बीच में एक बड़ी खबर बीजापुर से सामने आ रही है। माओवादियों ने की बीजेपी नेता की हत्या। नीलकंठ कंकेम को उतारा मौत के घाट। 15 सालों से थे उसूर के बीजेपी मंडल अध्यक्ष, चाकू और कुल्हाड़ी से की हत्या। साली की शादी की तैयारियों में गए थे पैतृक गांव। परिवार के सामने दिया वारदात को अंजाम।
हत्या से इलाके में दहशत का माहौल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बीजापुर से बता रहे हैं, माओवादियों ने की बीजेपी नेता की हत्या, नीलकंठ कंकेम को उतारा मौत के घाट। 15 सालों से थे उसूर के बीजेपी मंडल अध्यक्ष, चाकू और कुल्हाड़ी से की हत्या, साली की शादी की तैयारी में गए थे पैतृक गांव। इस वक्त की बड़ी खबर बीजापुर से आपको बता रहे हैं, नीलकंठ को उतारा मौत के घाट, माओवादियों ने की बीजेपी नेता की हत्या, परिवार के सामने वारदात को अंजाम दिया, हत्या से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बीजापुर से, माओवादियों ने बीजेपी नेता की हत्या की है, नीलकंठ को मौत के घाट उतार दिया गया है। 15 सालों से उसूर के बीजेपी मंडल अध्यक्ष, चाकू और कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या की गई, परिवार के सामने वारदात को अंजाम दिया गया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बीजापुर से, माओवादियों ने वारदात को अंजाम दिया, साली की शादी में शामिल होने गए थे बीजेपी नेता, माओवादियों ने परिवार के सामने वारदात को अंजाम दिया और कुल्हाड़ी और चाकू से उनकी हत्या कर दी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजापुर से, माओवादियों ने बीजेपी नेता की हत्या की है, 15 सालों से उसूर के बीजेपी मंडल अध्यक्ष रहे हैं, चाकू और कुल्हाड़ी से मारकर उनकी हत्या की गई। आपको बता दें कि साली की शादी की तैयारियों में पैतृक गांव गए हुए थे, जिसके बाद परिवार के सामने ही ये वारदात को अंजाम दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, प्रतिबंधित नशीले सिरप के साथ गिरफ्तार किया गया है, विजेता कॉम्प्लेक्स के पास से पकड़ा गया 43 शीशी प्रतिबंधित नशीले सिरप भी जब्त कर लिए गए हैं, करीब 25,000 रुपए बताई जा रही है कीमत। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, प्रतिबंधित नशीले सिरप के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, प्रतिबंधित नशीले सिरप के साथ आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही 43 शीशी प्रतिबंधित नशीले सिरप भी जब्त कर लिए गए हैं, करीब 25,000 रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 43 शीशी प्रतिबंधित नशीले सिरप भी जब्त कर लिए गए हैं। करीब 25,000 रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। प्रतिबंधित नशीले सिरप के साथ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर से ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी, पुलिस ने 2 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, खबर कोंडागांव से है, जहां नगर के सामुदायिक भवन में केशकाल और फरसगांव ब्लॉक के साहू समाज के वार्षिक महासभा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा उपाध्यक्ष और केशकाल विधायक संत राम नेताम ने शिरकत की। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर छग पर्यटन मंडल की उपाध्यक्ष अतिथि चित्र रेखा साहू, चनाप जनपद अध्यक्ष शीश कुमारी शामिल हुई। समाज के पुरुष, महिलाओं और बच्चों ने नगर में कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा नगर के मुख्य मार्ग से होती हुई ग्राम के शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना पर अस्पताल चौक होते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंचकर कलश यात्रा का समापन किया गया। तस्वीरें भी आपको कोंडागांव से दिखा रहे हैं, साहू समाज का वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक उपाध्यक्ष और केशकाल विधायक संत राम नेताम ने शिरकत की है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, कोंडागांव से साहू समाज का वार्षिक सम्मेलन मनाया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा उपाध्यक्ष ने यहां पर शिरकत की, साथ ही साथ केशकाल विधायक संत राम नेताम भी यहां पर पहुंचे। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में हम लोगों ने भाग लिया
हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष भाई गणेश दुग्गा जी भी और बड़े ही धूमधाम के साथ प्रतिवर्ष की भांति साहू समाज के द्वारा ब्लॉक स्तरीय वार्षिक उत्सव मनाते हैं, जिला के कार्यक्रम भी होते हैं। हम लगातार साहू समाज के कार्यक्रम में शामिल होते हैं क्योंकि साहू समाज हमारे ऐसा समाज है जो संदेश देने का काम करता है, मेहनती समाज है, बुद्धिजीवी समाज। इस बीच बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में आंदोलन, नगरीय निकास प्लेसमेंट कर्मचारी संघ करेंगे प्रदर्शन, 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आज किया जाएगा प्रदर्शन। प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम सौंपेंगे ज्ञापन। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में आंदोलन, नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी संघ करेंगे प्रदर्शन, 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आज प्रदर्शन किया जाएगा और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में आंदोलन किया जाएगा, नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी संघ ये प्रदर्शन करेंगे, साथ ही साथ 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आज प्रदर्शन किया जाएगा। नगरीय निकाय प्लेसमेंट के द्वारा ये प्रदर्शन किया जाएगा और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में आंदोलन किया जाएगा, नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी संघ प्रदर्शन करेंगे, साथ ही साथ अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आज प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तूता धरना स्थल में आंदोलन किया जाएगा, नगर निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी ये प्रदर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपेंगे। खबर रायपुर से है, जहां निकलर ऐप द्वारा पढ़ाई कराने के लिए छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग को प्रतिष्ठित उत्कृष्टता पुरस्कार से नवाजा गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने स्कूल शिक्षा विभाग को बधाई दी। आपको बता दें कि नई दिल्ली में 25 मार्च को छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग को अवार्ड दिया जाएगा। रायपुर से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग को सम्मान मिला है, प्रतिष्ठित उत्कृष्टता पुरस्कार से नवाजा गया है। निकलर ऐप से पढ़ाने पर स्कूल को पुरस्कार दिया गया और साथ ही साथ प्रतिष्ठित उत्कृष्टता पुरस्कार से नवाजा भी गया। आपको बता दें कि नई दिल्ली में 25 मार्च को छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग को अवार्ड भी दिया जाएगा। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं रायपुर से। निकलर ऐप द्वारा पढ़ाई करने के लिए छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग को पुरस्कार से नवाजा गया है। बड़ी खबर राजनांदगांव से सामने आ रही है, जहां 2 कथित पत्रकारों पर FIR दर्ज कर ली गई है। 4 लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। महिला शिक्षक ने थाने में दर्ज कराई शिकायत, रास्ते में रोककर पैसों की करते थे मांग, नौकरी से बर्खास्त करवाने की दी धमकी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राजनांदगांव से 2 कथित पत्रकारों पर FIR दर्ज कर ली गई है। 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। महिला शिक्षक ने थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है, नौकरी से बर्खास्त करवाने की दी थी धमकी, गैंग बनाकर करते हैं परेशान। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राजनांदगांव से 2 कथित पत्रकारों पर FIR दर्ज कर ली गई है। महिला शिक्षा ने थाने में दर्ज कराई शिकायत, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पत्रकारों पर FIR दर्ज की गई, महिला शिक्षक ने थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, नौकरी से बर्खास्त करवाने की दी थी धमकी, गैंग बनाकर परेशान किया करते थे। इसके बाद महिला शिक्षक ने थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। राजनांदगांव से 2 कथित पत्रकारों पर FIR दर्ज कर ली गई है। 4 लोगों के खिलाफ ये FIR दर्ज की गई है। महिला शिक्षक ने
शिकायत दर्ज कराई है। रास्ते में रोककर पैसों की मांग करते थे और इसके बाद महिला शिक्षक ने इनके खिलाफ थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है। मेडिकल एजुकेशन में कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया है। पहली बार हुई किसी कमिश्नर की नियुक्ति। आईएएस नम्रता गांधी को बनाया गया है कमिश्नर। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा संचालय का ऑफिस होगा शिफ्ट। नया रायपुर के सेक्टर 27 में किया जा रहा है शिफ्ट। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं। मेडिकल एजुकेशन में कमिश्नर की नियुक्ति की गई है। पहली बार किसी कमिश्नर की मेडिकल एजुकेशन में नियुक्ति की गई है। आईएएस नम्रता गांधी को बनाया गया है कमिश्नर। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं। आईएएस नम्रता गांधी को कमिश्नर बनाया गया है। मेडिकल एजुकेशन में कमिश्नर की नियुक्ति की गई है। पहली बार किसी कमिश्नर की नियुक्ति की गई है। चिकित्सा शिक्षा संचालय का ऑफिस शिफ्ट किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं यह अहम जानकारी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बुरहानपुर जिले स्थित पूरे प्रदेश में नल जल मिशन योजना का शुभारंभ किया गया था। इसके तहत गांव में घरों तक नल लगाकर घरों में पानी पहुंचाने का कार्य करने की बात कही गई थी। इसके लिए बुरहानपुर जिले को पायलट प्रोजेक्ट में लेकर कार्य का शुभारंभ भी किया गया था। इस कार्य के लिए बुरहानपुर जिले के पीएचई विभाग को 129 करोड़ रुपए की स्वीकृति देकर राशि भी आवंटित कर दी गई थी। पीएचई विभाग के कार्य जोर शोर से प्रारंभ किया गया था, लेकिन ठेकेदारों ने इसका कार्य घटिया स्तर पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि जगह जगह गड्ढे खोद दिए गए हैं, लेकिन उसका जीर्णोद्वार नहीं किया गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में टंकियों का निर्माण भी किया गया, लेकिन कई गांव में तो पानी भी नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि जल स्तर नीचे जाने के कारण इन टंकियों में पानी ही नहीं पहुंच रहा है। ऐसे गांव की जहां जहां पर हमें सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें आती हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि इसका एक सप्ताह के अधीन ही निराकरण किया जाए। और उसके अन्य अलावा भी जो भी हमें जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी शिकायतें प्राप्त होती है, पंचायत को भी जो शिकायतें प्राप्त होती है, उसमें पंचायत पीएचई की टीम के साथ मिलकर इसमें कार्रवाई करती है। अभी शीघ्र ही एक देतलाई के इशू को भी सॉल्व करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। हमने अभी 21 लाख रुपए पंचायतों को अलग से जारी किए हैं जो पंचायत विभाग से आए हैं, ताकि जहां जहां पे भी छोटे छोटे गैप्स हों पूरे किए जा सके। सारे कागज क्यों हुए ऐसा तो मैंने तो नहीं सुना, लेकिन यदि उनके ध्यान में कहीं ऐसा कोई विषय आया होगा कोई गांव का, तो वह अपनी तरफ से वहां पर कलेक्टर के पास में वहां पर उनकी जानकारी दे, और उसमें यदि कोई कमी बेसी के तो उसको सुधारने के लिए हम विभाग से बात करेंगे और उसमें पूरा कराएंगे। जो योजना इन्होंने लागू करी है सिर्फ कागजों पर लागू है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई काम हो नहीं रहा, हुआ ही नहीं है। कई गांव, कई जगह, कई घरों में आप जाके देखें तो उसमें आपको कहीं पर भी नल का कनेक्शन होता हुआ नहीं दिखेगा कि जैसे घर में पानी आ रहा हो। कई गांव तो अभी भी गर्मियों में सूखे, वहां पानी नहीं मिल पाता। ये सिर्फ कागजी की योजना है। अब ये इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बुरहानपुर जिले के अंदर क्या हाल हो रहे होंगे कि जिला पंचायत अध्यक्ष जो भाजपा समर्पित अध्यक्ष है, उस खुद ही प्रभारी मंत्री को खुद की मीटिंग के अंदर, बड़ी मीटिंग के अंदर बोल रहा है। तो अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि क्या हाल है जिले के। वार्ड क्रमांक 1 से 8 तक की ये परेशानी है कि नल जल योजना के नाम पर जीरो है। सरकार कहती है कि नल जल योजना पूर्ण हो गई है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कलेक्टर महोदय साहब से और सरपंच साहब, सीओ साहब से, कि ग्राम लोधीपुरा में 1 नंबर से 8 नंबर वार्ड तक 40 साल हो गए, आज तक पाइपलाइन नहीं डली है और ये सारी महिला पानी के लिए परेशान है। तो पानी नल जल योजना का मतलब क्या है? 5 करोड़ का टेंडर हुआ है, इसमें मैंने पीएचई के बुंदेला साहब को शिकायत करी 3 बार, मंडलोई जाकर सर्वे करके गए, वो बोलते हमारा कार्य क्षेत्र ही नहीं। तो एमआरगित ग्राम पंचायत का काम क्या है? से बड़ी खबर सामने आ रही है। गोठानों में गोमूत्र की खरीदी, 1,26,858 लीटर गोमूत्र की खरीदी, 25.74 लाख का बिक चुका जीवामृत। और साथ ही आपको बता दें कि गोमूत्र और गोबर खरीद रही छत्तीसगढ़ सरकार, 4 रुपए
लीटर खरीदा जा रहा है गोमूत्र, 2 रुपए किलो खरीदा जा रहा है गोबर। गोबर से 27.56 लाख क्विंटल खाद का उत्पादन किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, गोठानों में गोमूत्र की खरीदी की जा रही है, 1,26,858 लीटर गोमूत्र की खरीदी की गई है। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, गोठानों में गोमूत्र की खरीदी, 25.74 लाख का बिक चुका है जीवामृत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।